यो एवरी वन, दिस इज मोहित शर्मा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग दिसंबर 2019 के अंदर होने वाला जो UGC नेट का एग्जाम है उसके लिए ऑनलाइन बैच जो है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है वो एनरोल कीजिएगा। ओके, और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग अब जो है हमारा अपकमिंग दिसंबर 19 के अंदर होने वाला जो एग्जाम है, तो उसके लिए जो है हम प्रिपरेशन जो है वो आज से, आज क्या, आज का मतलब है 16 जुलाई से हम लोग जो है उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब कंटिन्यूटी के अंदर जो है वीडियोस हम लोग शुरू करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, और अपना एम जो है वो याद रखने का आपको। और वो क्या है एम? सर, एम नेट पास करना है, नेट नहीं करना है वे, अपना एम जो है वो एक ही, और वो क्या है? JRF। और JRF भी अब की बार आपको जो लेके आना है ना, वो कैसा लेके आना? 75-80% मार्क्स से। मतलब ये है कि आपका नंबर जो है वो ऐसा है कि मतलब वो कोई कल को जब आप उसको दिखाए ना अपना मार्कशीट, तो वो ये हो जाएगी, हिल जाएगी, 80% से बच्चा पास हुआ नेट के अंदर नेशनल लेवल के पेपर में, जी ऐसा लेके आने का। तो आप बस अपना एम जो है वो एकदम हाई रखिएगा, आपको लेके क्या आना है, JRF लाना है, और वो भी लाना है 75-80% वाला। बात समझ रहे हैं क्या? और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ और कुछ भी। आते हैं भाई बच्चों के, मेरे खुद का 71% मार्क्स आया जब मैंने 22 जनवरी 2017 में पेपर दिया, तो मेरे खुद के 71% मार्क्स आया। तो 71 जब मैं ले सकता हूं, तो आप तो 80%, अरे आप तो वेल क्वालिफाइड लोग हो यार, तो तुम्हारा तो आराम से आएगा। ठीक है ना, तो एम हाई रखने का, हाई एम के साथ में हाई प्रिपरेशन करने का, तो रिजल्ट भी बहुत ही हाई आने का। बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। सर जल्दी से ये बताइएगा कि हम प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं? प्रिपरेशन जो हम लोग करने वाले हैं, हम रटेंगे नहीं क्या? सर चीज़ों को रटना नहीं है क्या? चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम चीज़ों को समझ के चलेंगे। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं। देखो, अगर मान लीजिए रटने वाला कोई काम आ गया, लाइक मान लीजिए कोई ईयर आ गया, कोई बैंक कब बना, बेसल नोट्स कब आया, तो अगर ये तो क्या है कि ये तो आपको क्या क्रैमिंग करके जाना पड़ेगा, उसको तो मगअप करना पड़ेगा। हम करेंगे उसको, ठीक है, लेकिन उसको भी तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उड़ा गया अपने कर दिया। तो बहुत एक्सीलेंट वे के अंदर जो है हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली जो है वो समझेंगे, और फिर देखेंगे कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ है, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली करते करते अपने एम को जो है हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ओके जी सर, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पेपर नंबर 2 के अंदर जो है टोटल मिला के 10 यूनिट है, तो उनमें से हम लोग जो है आज शुरू करें हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है वो किसका? बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं। सर आज के लेक्चर में क्या होगा, और क्या सर आप रिविजन भी करवाते हो? जी हम रिविजन भी करेंगे, साथ के साथ जब मेरा लेक्चर खत्म होता है तो उसके लास्ट के 2 मिनट के अंदर मैं रिविजन भी करवाऊंगा, और जैसे मेरा कल लेक्चर नंबर 2 आएगा तो उसके स्टार्टिंग के अंदर भी मैं लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने करवाया था वो भी मैं साथ में रिवाइज करवाता हूं, ताकि चीजें आपको एकदम रिटेन रहे। ओके जी सर, तो सर शुरू करें क्या? बोलो बोलो। जी सर शुरू करते हैं, आइएगा। पहले आपको मैं दिखाता हूं जो आपके पास में बुक आने वाली है, वो है जी आपकी ये देखिएगा मॉड्यूल नंबर 1, ये आपको दिख रहा होगा मोहित शर्मा क्लासेस का, ये है जी अपना मॉड्यूल नंबर 1। तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या है जी, ये अपना बिजनेस एनवायरनमेंट एंड साथ में क्या आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ये यूनिट हम लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। सर इसके अंदर जो आपने इंडेक्स बनाया है, आप जल्दी से ये बताइएगा कि इसके अंदर कितने वो हैं, चैप्टर कितने हैं, ये देखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। जो बुक आपके पास में आएगी तो उसके अंदर फर्स्ट जो आपके यूनिट आपके पास में पहुंचेगा उसमें हम लोगों ने टोटल मिला के जो है पूरे फर्स्ट यूनिट को हमने 8 पार्ट में, 8 चैप्टर्स के अंदर जो है वो क्या किया है, डिवाइड किया है। जिसका सबसे पहले तो है जी आपका चैप्टर नंबर 1, तो ये है किसका, इंट्रोडक्शन का। सेकंड चैप्टर में मैंने कुछ डाला है थ्योरीज का, हालांकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो डाली है, आप देख सकते हैं 23 पेज के अंदर, 1-23 पेज के अंदर जो है हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने कवर किया है, जिसमें FDI हो गया, FPI हो गया, वो सब कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। पहली बात तो ये है, क्या सर आपके नोट्स रेफर करने के बाद में, या आपकी जो बुक हमारे पास में मॉड्यूल आएंगे इनको रेफर करने के बाद में क्या कुछ और भी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। दोबारा मैंने नोट्स जो है पिछली बार के मुकाबले अब दोबारा मैंने क्या किया, इनको रिवाइज किया, बहुत एक्सीलेंट वे के अंदर हमने नोट्स बनाए हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, पूरी तरह से 100% आप रिलाई कीजिएगा हमारे नोट्स के ऊपर, सारा पेपर जो है इसमें से कवर होगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइन टू लाइन आएगा, बट कॉन्सेप्ट मैं सारे करवा दूंगा। अब पेपर के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़िया बिल्डअप होना चाहिए, जितना बेटर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा उतना बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन चलेगा। ओके
जी सर, तो ये बुक आने वाली है जिसके अंदर टोटल मिला के हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, 8 पार्ट में 8 चैप्टर के अंदर जो है वो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का लेक्चर नंबर 1। करें शुरू, आइएगा जी शुरू कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है जी, चैप्टर नंबर 1 सर हमारा जो इंट्रोडक्शन का है, इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर बेसिकली जो है वो अपने को पढ़ना क्या है। तो देखिएगा, आप जैसे जानते ही हैं कि मेरा जो स्टाइल रहता है वो ये है कि जब भी मैं किसी भी चीज़ को लेके चलता हूं तो सबसे पहले उसका बेस बताऊंगा। तो आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस, तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल बिजनेस है क्या एक्चुअल के अंदर, उसका बेस जो है वो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आइएगा देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल बिजनेस का, ये देखिएगा ये है जी मेरा क्या इंटरनेशनल बिजनेस, ये है जी मेरा इंटरनेशनल, और ये जो है ये क्या है जी बिजनेस। ये जो इंटरनेशनल बिजनेस टर्म है ये दो वर्ड को मिलके बना है, दो वर्ड को मिला करके बना, एक वर्ड है जिसका नाम है क्या इंटरनेशनल और एक वर्ड जो है उसका नाम क्या है जी बिजनेस। क्या नाम है? बिजनेस। तो अब ये दोनों वर्ड क्या, अगर ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए, दोनों को जोड़ दें, तो क्या इंटरनेशनल बिजनेस बन जाएगा क्या? जी सर। तो क्या मेरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा क्या? जी सर। लेकिन इतना इजी नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है। तो आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका, द टर्म इंटरनेशनल का। अगर मैं बात करता हूं किसका इंटरनेशनल का, तो इसका मतलब क्या होता है सर? जो नेशन का नहीं है, जो नेशन के बियॉन्ड चला गया वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। देखो इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ने के लिए पहले वर्ड देखना पड़ेगा कौन सा, इंटरनेशनल। आइएगा देखिए, ये ऐसा आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, देखिए ये अपने इंडिया का जो है वो है जी मैप। एक बार के लिए देखिएगा, ये अपने इंडिया का जो है वो क्या हो गया जी, मैप हो गया। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना जो आपको मैप के अंदर देखने को मिलती है, इन लाइन को बोलते हैं मालूम क्या, इन लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं इनको? कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, बेस लाइन। क्या बोलते हैं इनको? बेस लाइन। ये जो अपना बेस लाइन है या कोस्टल लाइन है, जो जमीनी एरिया है आपका, वहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल। सर ये नॉटिकल माइल क्या होता है? जमीन का जो एरिया होता है उसको आप मेजरमेंट जो उसका करते हैं वो करते हैं किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर। और जो पानी का एरिया है, सी एरिया जो है, तो पानी को हम नापते जो है वो नापते हैं किसके अंदर, नॉटिकल माइल्स के अंदर। ठीक है जी सर, अब समझ में आया। तो ये देखिएगा, एक नॉटिकल माइल जो होती है उसके अंदर 1.83 किलोमीटर होते हैं। कितना होता है? 1.83। और ये जो आपकी कोस्ट लाइन ना, यहां से लेकर के और ये 12 नॉटिकल माइल, कितना 12, ये 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो है बोले तो कितना हो गया, 22 किलोमीटर का एरिया। ये जो है ये पार्ट है मालूम किसका, ये पार्ट है किसका, इंडिया का। किसका पार्ट है? इंडिया का। इसका मतलब ये जो आप मैप देखते हैं उस मैप के अंदर जो आपको दे रखा होता है वो तो आपकी क्या होती है, बेस लाइन होती है। वो क्या होती है? आपकी बेस लाइन। और उसके बाद में 12 नॉटिकल माइल बोले तो 22 किलोमीटर तक का जो एरिया रहेगा वो भी इंडिया का पार्ट है। इसका मतलब ये है सर कि अगर मान लीजिए आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, यहां पे इधर कर रहे हैं कोई भी ऑपरेशन, यहां कर रहे हैं या यहां भी कर रहे हैं ना, अगर कोस्टल लाइन के बियॉन्ड जाके भी, लेकिन TWI के अंदर, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अंदर, अगर आप कोई भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट है, आपके डोमेस्टिक बिजनेस का। लेकिन कल को अगर आप ये लाइन को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, तो वहां पे हम बोलेंगे कि अब आप जो है अपने नेशनल बाउंड्री को क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। और जब आप अपने नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो वहां पे वर्ड जो है अब नेशनल वर्ड ये नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगा, इंटरनेशनल। क्या चलेगा? इंटरनेशनल। देखिए बिजनेस का मतलब क्या है वो एक बात की बात है, बिजनेस क्या होता है वो एक बात की बात है। एक बार के लिए मैं बोलता हूं, बिजनेस आर ऑफ द टू टाइप, वन इज द डोमेस्टिक बिजनेस, वन इज द इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है जी सर। अब डोमेस्टिक बिजनेस का मतलब क्या होता है, अगर आप TWI के अंदर रहते रहते या अपनी बेसलाइन के अंदर रहते रहते कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका बोलते हैं आप लोग क्या, डोमेस्टिक बिजनेस। और कल को अगर आप TWI को क्रॉस कर जाएंगे और बाहर जाकर के अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। बात समझ में आ रही है क्या जी सर? तो सर एक बार थोड़ा सा आप नटशेल के अंदर बताइएगा, ये देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा नटशेल में बताता हूं। ये तो हो गया जी मेरा क्या, ये देखो ये जो एरिया था ये है मेरी क्या, जल्दी से बोलो, कोस्टल लाइन, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग क्या, बेस लाइन। ये बेस लाइन है। इसके बाद में यहां से लेकर के और यहां कितना, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल बोले तो 22 किलोमीटर तक का जो एरिया रहेगा इसको बोलते हैं आप लोग क्या, TWI। क्या बोलते हैं जल्दी से बोलो, TWI। सर ये TWI क्या होता है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी। मतलब ये है, ये जो पानी है, ये जो समुद्र आ गया यहां पे, बे ऑफ बंगाल है ना, तो वहां पे किसका अधिकार है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारी बेस लाइन से लेकर के और 22 किलोमीटर
तक का जो एरिया रहेगा वो भी इंडिया का पार्ट है। मतलब ये है, अगर कोई एक्ट आपने इंडिया में एप्लीकेबल किया, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 या कोई भी एक्ट अगर आपने इंडिया में एप्लीकेबल किया, तो वो एक्ट TWI में भी इक्वली एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं एक्ट में सेक्शन नंबर 1, हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है इसका स्कोप का या टाइटल की बात करता है, और स्कोप के अंदर बताया जाता है कि वो एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है। लाइक अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 1 ये बोलता है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, कि ये एक्ट पूरे भारत के ऊपर जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है। अगर वो एक्ट पूरे भारत पे एप्लीकेबल है तो भारत का मतलब क्या? तो भाई साहब, भारत का मतलब जो है वो ओनली ये मत सोचना कि ये कोस्टल लाइंस है, ये कोस्टल लाइन तो है ही है, और इनके साथ में ये TWI भी। मतलब अगर मान लीजिए आप कोई इनकम इंडिया में कमाते हैं, मतलब इन ये जो आपका है कोस्टल लाइन इनमें कमाते हैं, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी पैसा यहां पे जाके कमाते हैं, बोले तो TWI में जाकर के कमाते हैं, तो भी आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि TWI जो है वो पार्ट है किसका? इंडिया का। किसका पार्ट है? इंडिया का। बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो सर फिर इंडिया के बियॉन्ड क्या है? अगर ये TWI के क्रॉस आप चले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या आपका? आउटसाइड इंडिया। क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो सर आप ये क्या बता रहे हो, हमें ना कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा। आएगा जी आएगा, ढंग से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, थोड़ा सा आप बस कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। मैंने अभी तक आपको जो है वो ये बताया कि जो हमारी जो क्या है, कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन के बाहर अगर आप जाएंगे तो पानी आ जाएगा। तो 22 किलोमीटर तक का जो पानी का एरिया है वो भी किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। अगर आप उस एरिया के बाहर जाकर के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर उन लाइंस के अंदर है कि अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? डोमेस्टिक। सर तो ये ना आपने ये कुछ EEZ लिखा हुआ है सर, ये EEZ ये क्या है सर? ये EEZ जो है ये है जी आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर अब ये क्या है? कोस्टल लाइन से लेकर के बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल बोले तो 370 किलोमीटर तक का एरिया जो है, इस एरिया को बोलते हैं EEZ। क्या बोलते हैं? EEZ बोले तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर ये EEZ बेसिकली क्या है? देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला, अब एक बात बताओ, फिशिंग का जो काम होता है, फिशिंग मछली पालन का जो काम है, अब मछलियां जो पकड़नी है वो कहां पकड़ोगे? दिल्ली में जाके पकड़ोगे या समुन्द्र में जाके पकड़ोगे? सर नेचुरल बात है, मछली जो है रोड पे थोड़ी मिलेगी, मछली कहां पे मिलने वाली है? समुंदर में। तो समुंदर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन ये राइज हो गया, समुंदर में भी कोई एरिया होगा ना, उस एरिया तक ही मैं जा सकता हूं, आ रही है बात में? तो वहां पे अब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि वैसे तो इंडिया का मतलब जो है वो ओनली है क्या? TWI। इंडिया का मतलब ओनली इंडिया कहां तक फैला हुआ है? TWI तक। लेकिन तीन काम के लिए इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इंडिया की बाउंड्री को जो है 370 किलोमीटर तक जो है वो क्या कर सकती है? एक्सपेंड कर सकती है। तो वो जो 370 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं क्या? EEZ। आपको एग्जाम के लिए थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा कि ये EEZ जो है वो सभी के लिए नहीं है, इस सिर्फ तीन चीजों के लिए है। एक है आपका किसके? फिशिंग के लिए। एक है किसके? माइनिंग के लिए। और एक है किसके? ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। किसके लिए? ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। सर थोड़ा टेक्निकल है। अरे टेक्निकल है लेकिन समझ में आने वाला है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है ये, तो बस लो और खा लो आराम से। थोड़ा सा बस आपको लगेगा कि हाँ यार ये पता नहीं क्या है, लेकिन एक बार माइंड में बैठ गया ना तो आप बोलेंगे अरे टनाटन है बिल्कुल। आइएगा देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले मैंने जिक्र जो है वो आपके आगे क्या किया, मैंने कहा ये देखो जी, ये है जी मेरी क्या? कोस्टल लाइन। ये कोस्टल लाइन है या इसी को बोलता हूं मैं क्या? बेस लाइन। बेस लाइन से ले जाके और 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है जी? TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो अगर मैं कोई भी एक्टिविटी बेस लाइन के अंदर आके करता हूं तो भी मेरे डोमेस्टिक बिजनेस का पार्ट है, या अगर मैं कोई भी एक्टिविटी जो है वो TWI बोल दो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अंदर आके करता हूं तो वो भी किसका पार्ट है? मेरे डोमेस्टिक बिजनेस का पार्ट है। अगर आप TWI के बियॉन्ड जाकर के अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो कहां पे आ जाएगा? आपका इंटरनेशनल बिजनेस में काउंट होगा। ओके जी सर। अब सर आपने ये तो बता दिया इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेशनल मेरे ख्याल से क्लियर है। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? TWI के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो इंटरनेशनल में काउंट होगा। अब सर आपने बिजनेस तो बताया नहीं, बिजनेस का क्या होता है? देखिएगा बिजनेस को पढ़ाने के लिए ना, बिजनेस को बताने के लिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा ये देखिए, ये मैंने कुछ यहां पे आराम से आप देखेंगे मैंने कुछ लिखा आपके लिए। देखो क्या मैंने लिखा यहां पे, देखो सबसे पहले क्या होता है? नीड राइज होती है, समझना बात को मेरी। सबसे पहले क्या होगा जी? नीड राइज होगा। आपको किसी भी चीज को करने की सबसे पहले एक नीड अराइज होगा, आपके माइंड में एक कंसेप्शन जाएगा कि यार मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। उस
नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, वो नीड आपको ड्राइव करेगी, वो नीड आपको चलाएगी, वो नीड आपको बताएगी कि कुछ ना कुछ करो कि अपनी नीड जो है वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक पर्सन जो है वो करेगा क्या, एक्टिविटी। क्या करेगा जी, एक्टिविटी। उस पर्सन के द्वारा जो एक्टिविटी किया जाएगा, वो एक्टिविटी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होता है इकोनॉमिक नेचर का एक्टिविटी और एक होता है कौन सा, नॉन इकोनॉमिक। एक है कौन सा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक है कौन सा, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है वो की जाती है बेसिकली किसके लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। मतलब आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, मतलब आपका वहां पे मेन मोटो जो है, मेन मोटिव जो है वो अर्निंग करना नहीं होता, आपका मेन मोटिव जो है वो क्या होता है, ओनली बोलो 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 क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। तो उसके लिए जो एक्टिविटी किया जाएगा, मैं लिख के देता हूं आपको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली की जाती है किसके लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। किसके लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है वो की जाती है फॉर अर्निंग मनी, ये पैसा कमाने के लिए। जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बेसिकली तीन तरह की होती है, एक होता है जी कौन सा आपका बिजनेस, एक होता है जी कौन सा आपका एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है जी कौन सा आपका प्रोफेशन। बात समझिएगा, पहले नीड हुआ, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी आर ऑफ द टू टाइप, वन इज अ इकोनॉमिक, वन इज अ नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। अब बात आती है किसका, इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑफ द थ्री टाइप, वन इज अ बिजनेस, अनदर वन इज अ प्रोफेशन, एंड लास्ट वन इज अ बोलो 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 एम्प्लॉयमेंट। आ रही है बात समझ में, जी सर। सर ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के कितने टाइप होते हैं, बिजनेस के दो सबसेट है। ये जो बिजनेस है ना आपका, इस बिजनेस के बेसिकली जो है वो क्या है, दो सबसेट है। सर सबसेट का मतलब क्या, इसके आप ये लगा लो इसके दो डायमेंशंस हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक जो है वो होती है क्या, कॉमर्स। एक होता है इंडस्ट्री और एक क्या होता है, कॉमर्स। मैंने अर्लियर के लेक्चर में एक बार पहले भी आपको बताया था कॉमर्स और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। देखिएगा बेसिकली इंडस्ट्री जो है उसका मेन काम जो है वो होता है कन्वर्जन करने का। क्या काम होता है, कन्वर्जन। सर किसका कन्वर्जन, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फिनिश गुड्स में। इंडस्ट्री का जो मेन काम होता है ना वो क्या रहने, क्या क्या रहने का है, कन्वर्जन करने का। और कन्वर्जन ये किसका करते हैं, फिनिश गुड्स का कन्वर्जन करते हैं, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन करते हैं किसके अंदर करते हैं, फिनिश गुड्स में। और ये जो फिनिश गुड्स है ना, इसको सेल जो किया जाता है वो पार्ट है किसका, कॉमर्स का। उसको सेल किया जाएगा कहां पे, कॉमर्स में। तो कॉमर्स एक्टिविटी है क्या करने का, सेल करने का, ट्रेड करने का एक्टिविटी, वो तो वो है पार्ट किसका, कॉमर्स का। लेकिन चीजों को बनाने की जो एक्टिविटी है वो किसका पार्ट है, आपके इंडस्ट्री का। तो पहली बात तो बिजनेस जो है आपका, बिजनेस के सबसेट कितने, दो, एक है कौन सा इंडस्ट्री, एक है कौन सा कॉमर्स। बात समझ में आ रही है, इंडस्ट्री में क्या किया जाएगा, कन्वर्जन। क्या किया जाएगा, कन्वर्जन किया जाएगा। कन्वर्जन किसका, किस में किया जाएगा, सर कन्वर्जन किया जाएगा रॉ मटेरियल का किसके अंदर, फिनिश गुड्स में। और वो जो फिनिश गुड्स निकल के आएगा, अब उसको क्या करने का, उसको सर बेचने का है। और बेचने का तो कहां पे जाके बेचने वाले हैं हम लोग, उसको सर बेचने वाले हैं कहां पे, मार्केट में। और मार्केट में चीजों को बेचने वाला जो एक्टिविटी आएगा ना, उसको जनरली बोलते हैं क्या, कॉमर्स। क्या बोलेंगे उसको, कॉमर्स। तो मैंने यहां पे क्या बोला, ये देखिएगा बिजनेस, बिजनेस का एक है क्या सबसेट, क्या इंडस्ट्री, और एक है क्या कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या किया जा रहा है, कन्वर्जन। इंडस्ट्री कितने तरीके का, तीन तरीके का, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। इसको तरीके से आप पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरमेंट का जो आखिरी मेरा चैप्टर उसके अंदर बताऊंगा। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री का मेन काम जो है वो क्या होता है जी, कन्वर्जन करने का। और कन्वर्जन कैसे करते हैं, सर ये तो बताया नहीं आपने, कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन करते हैं मालूम कैसे, कन्वर्जन करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। ये जो आपका, ये जो आपका रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हैं, कर रहे हैं किसके अंदर, फिनिश गुड्स में। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। और वो बिजनेस ऑपरेशन में मेन आपके दो हैं, एक है कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग और एक क्या, प्रोडक्शन। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करके या प्रोडक्शन करके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे फिनिश गुड्स में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन की एक्टिविटी कहां की जा रही है, इंडस्ट्री के अंदर। फिर वो जो सामान बना, अब उस सामान को आप क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। और उसको जो आप सेल करेंगे कहां पे जाकर, कहां कहां पे जाके, मार्केट में। और मार्केट में जाके वो जो ऑपरेशन आपने किया ना, डेट ऑपरेशन इज नोन एज द, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्या, कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर बेसिकली आप क्या करने वाले हैं, व्यापार करेंगे, जिसमें आप चीजों को जो है वो क्या करेंगे, बेचने का काम करेंगे। अब यहां पे ना दो पार्ट मैंने बना के दिया, एक तो है देखिएगा ट्रेड और एक क्या है जी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड के अंदर आता है क्या, सेल एंड परचेज। ट्रेड के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आएगा जी, आपका सेल भी आएगा जी, और क्या आएगा जी, आपका परचेज भी आएगा। और सर ये ऑक्सिलरी क्या होती है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है जी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। क्या होता है,
सहायक, सहायक का मतलब क्या होता है, सहायक का मतलब होता है जो हेल्प हेल्प करती है। ऑक्सिलरी है किसकी, ट्रेड की, मतलब जो ट्रेड में क्या करेगी, सहायता करेगी, ट्रेड में क्या करेगी, हेल्प करेगी, जो ट्रेड को पूरा करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं आप लोग क्या, ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सिलरी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला जी देखो जो आपका बिजनेस है, ये देखिएगा जो आपका बिजनेस है इसके कितने सबसेट है, दो, वन इज द इंडस्ट्री, अनदर वन इज द कॉमर्स। इंडस्ट्री का मेन काम है कन्वर्जन करने का, कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। किसका किस में कन्वर्जन है, रॉ मटेरियल को जो है कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, फिनिश गुड्स में। अगला क्वेश्चन रेज हुआ सर कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में चीज़ों को हम लोग जो है वो क्या करते हैं जी, बेचते हैं। बात समझ में आ रही है सर, कॉमर्स के कितने सबसेट है, दो सबसेट है, एक है जी आपका ट्रेड और एक है क्या जी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का मतलब सेल एंड परचेज, एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब जो होता है वो क्या, सेल और परचेज को पूरा करने में जो एक्टिविटी आपकी हेल्प करती है उन एक्टिविटीज को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सिलरी। और वो एक्टिविटी बेसिकली जैसे आपका बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब एक्टिविटी जो हो किसका पार्ट, आपके ऑक्सिलरी टू ट्रेड का। यहां देखो ओके जी सर। सर तो आप ये बताइएगा इंटरनेशनल बिजनेस क्या, अब ना आप मेरी एक छोटी छोटी बात सुनते जाओ, ये देखो एक बार मैं यहां क्या बोलता हूं, ये कॉमर्स है, अगर यहां पे मैं ये बिजनेस है आपका, अगर बिजनेस के आगे मैं आई वर्ड लगा दूं, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में फिर दो चीजें आएंगी, एक तो क्या आएगा जी, आई वर्ड लगाते जाओ बस, एक तो क्या आएगा जी, एक तो आएगा जी आपका इंटरनेशनल इंडस्ट्री, मतलब कन्वर्जन, और कहां पे कन्वर्जन है, इंटरनेशनल लेवल पे, और एक आएगा जी क्या, इंटरनेशनल कॉमर्स। क्या आने वाला है, इंटरनेशनल कॉमर्स। अब इंटरनेशनल कॉमर्स के अंदर दो चीजें, एक आएगा इंटरनेशनल ट्रेड और एक आएगा क्या, इंटरनेशनल ऑक्सिलरी टू ट्रेड। दैट मींस कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को सेल एंड परचेज करते हैं, अब देखो सेल और परचेज वर्ड है डोमेस्टिकली जब आप यूज करते हैं, और यही वर्ड जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो सेल की जगह वर्ड यूज करते हैं एक्सपोर्ट को, एंड परचेज की जगह जो है आप वर्ड यूज करते हैं किसको, इंपोर्ट को। बात समझ में आ रही है क्या, तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है चीजों को सेल परचेज बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो वो सब जो है वो पार्ट है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। और अगर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ में ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री बोले तो इंटरनेशनल लेवल पे आप कन्वर्जन करना भी जब स्टार्ट कर दें, उसको बोलते हैं आप क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ये देखिएगा, ये हमारा बिजनेस का डेफिनेशन यहां पे दिया गया इंटरनेशनल बिजनेस का। देखिए क्या बोलता है, इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है जी, पढ़ के जाइएगा। इंटरनेशनल बिजनेस जो है इसमें क्या आएगा जी, इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड। एक तो क्या आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या आएगा, बिजनेस के दो सबसेट है, एक है क्या इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स, कॉमर्स के दो है ट्रेड और ऑक्सिलरी। अगर ट्रेड पार्ट है कॉमर्स का और कॉमर्स पार्ट है किसका, बिजनेस का, तो कहीं ना कहीं क्या ट्रेड पार्ट नहीं हो गया बिजनेस का, हो गया सर। तो इसका मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड भी आएगा, प्लस आएगा फॉरेन प्रोडक्शन, मतलब फॉरेन में जाके अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हैं बोले तो कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, रॉ मेटेरियल का, किसमें, फिनिश गुड्स में, तो वो भी पार्ट है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। और साथ में आएगा प्रोविजन ऑफ द फॉरेन सर्विस। सर ये क्या, प्रोविजन का मतलब क्या, प्रोवाइड करना। सर्विस को कभी भी सेल नहीं करते हैं, सर्विस को हम करते हैं प्रोवाइड, या हम बोलते हैं सर्विस को हम करते हैं रेंडर। गुड्स को हम सेल करते हैं बट सर्विस को हम क्या करते हैं, रेंडर करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या जी सर। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, या अगर आप कोई भी फॉरेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, या अगर आप कोई भी सर्विस को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब जो है वो किसके अंदर आएगा, आपका इंटरनेशनल बिजनेस में। ये अपने पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लीजिए क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही ओनली इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इंटरनेशनल बिजनेस है। उसके अलावा अगर आप फॉरेन में जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, अगर आप फॉरेन में जाके कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। ओके क्या, बोलो बोलो जी सर। ये है जी अपना क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो जी सर। अब सर ये बताइएगा, आपने अभी इंडिया का डेफिनेशन बताया था, तो वो आप बोले TWI, ये कहानी कहां लिखी हुई है, ये देखिएगा, ये है, ये देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया, इंडिया वर्ड को डिफाइन किया गया, अब इंडिया का डेफिनेशन दिया गया, अपने इंडिया में एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, कस्टम एक्ट। क्या बोलते हैं उसको, कस्टम एक्ट। तो इंडिया का जो कस्टम एक्ट है, उस कस्टम एक्ट में इंडिया का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन नंबर 2 में, और वहां पे बोला गया इंडिया इंक्लूड, बोला इंडिया इंक्लूड, इंडिया के अंदर क्या आएगा, इंडिया इंक्लूड द
TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, वहां पे इंडिया वर्ड को डिफाइन किया गया और ये बोला गया इंडिया इंक्लूड, इंडिया के अंदर आएगा क्या TWI बोल तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। कहां बोला गया ये देखो कस्टम एक्ट में, क्या बोलते हैं कस्टम एक्ट 1962 अपने इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो एक्ट बनाया गया है दैट एक्ट इज नोन एज कस्टम एक्ट, और कस्टम एक्ट 1962 जो है वो डिफाइन करता है इंडिया को, और वो क्या बोलता है इंडिया टू इंक्लूड द TWI, इंडिया के अंदर जो आने वाला है वो क्या है जी TWI बोले तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, बोले तो सी एरिया अप टू कहां तक का 12 NM। ओहो सर अभी तो बताया था आपने 12 नॉटिकल माइल, और 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या हो गया 22 किलोमीटर तक का एरिया मेजर फ्रॉम द, कहां से मेजर करेंगे कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, या इसी को बोल देंगे आप लोग क्या बेस लाइन, क्या बोल देंगे बेस लाइन। सर नीचे को डेफिनेशन और दिया गया इंपोर्ट का एंड एक्सपोर्ट का, ये क्या होता है अभी बता देते हैं, ये देखो एक बार ये एक मेरी बात समझो, ये देखो एक बार मान लीजिए ये है जी मेरा इंडिया, ठीक है ठीक है जी सर। अब ये देखो एक बार अगर मैं एक बार बात करता हूं, मैं थोड़ा सा एक बार आपको थोड़ा और बता दूं ब्रीफ में, टोटल मिला के पूरे वर्ल्ड में 195 नेशन है, टोटल मिला के कंट्री जो है वो कितनी है 195 में से एक तो हो गया जी मेरा क्या इंडिया, एक तो क्या हो गया जी इंडिया, बाकी बच गई कितनी 194, कितनी बच गई है 194, ये 194 कंट्री को इंडिया बोलता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टोटल मिला के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो कितनी कंट्री है सर 195 में एक तो क्या हो गया जी इंडिया हो गया, बाकी बच गई कितनी 194, ये 194 कंट्री को बोलते हैं हम लोग क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व, क्या बोलेंगे शेष विश्व, बात समझ में आ रही है क्या जी सर। अब ये देखो एक बार अगर मान लो इंडिया से कोई भी सामान ये है मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या कोई एक नेशन लेके चल पड़ते हैं, अब यहां पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये देखो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया पूरा शेष विश्व हो गया, अगर इसमें से मैं यूके के साथ में ट्रेड करना चाह रहा हूं, ये 194 में से एक कंट्री है मान लीजिए यूके, क्या कंट्री का नाम क्या यूके, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यूके के साथ में ट्रेड करूं, मैं एक बार नटशेल में बोलता हूं टोटल मिला के 195 कंट्री होगी, 195 से एक कंट्री तो होगी कौन सी जी इंडिया, कौन सी होगी है इंडिया, ये इंडिया जो है वो है जी मेरी क्या होम नेशन, इसको मैं बोलता हूं होम कंट्री, क्या बोलता हूं होम कंट्री, बाकी जो बच गई वो कितनी बच गई है 194 कंट्री जो है उसको बोलते हैं हम क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से एक ऐसा कंट्री जिसके साथ मैं ट्रेड करना चाहता हूं बोले तो यूके, इस यूके को मैं क्या बोलूंगा, इस यूके को बोलते हैं जी हम लोग होस्ट कंट्री, क्या बोलेंगे जी होस्ट कंट्री, आ रही है बात समझ में, क्या बोलोगे बोलो बोलो होस्ट कंट्री, इंडिया इज माई होस्ट कंट्री, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से एक ऐसा कंट्री जिसके साथ मैं ट्रेड करना चाहता हूं उसको बोलते हैं क्या होस्ट कंट्री। अब सुनना अगर इंडिया से अगर ये मान लीजिए यूके हो गया, अगर इंडिया से कोई भी सामान जाएगा बाहर इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और बाहर से कोई भी सामान आएगा इंडिया में तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या इंपोर्ट, क्या वर्ड बोलेंगे इंपोर्ट। डोमेस्टिकली अगर आप चीजों को परचेज करते हो तो आप बोलते हैं परचेज वर्ड, लेकिन अगर बाहर से चीजों को परचेज करोगे तो वर्ड यूज करेंगे इंपोर्ट। डोमेस्टिकली अगर आप चीजों को सेल करते हो तो आप वर्ड यूज करते हो सेल वर्ड, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप चीजों को बेचोगे तो वहां पे आप जो वर्ड यूज करने वाले वो क्या करने वाले एक्सपोर्ट, क्या करने वाले एक्सपोर्ट। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिएगा, क्या क्या सेल और परचेज दोनों को मिला दे तो क्या ट्रेड बनता है क्या? हाँ जी सर बनता है, और यही इंटरनेशनल सेल और इंटरनेशनल परचेज हो जाए तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर, यही तो है सिंपल सर। इंटरनेशनल लेवल पे जा करके अगर सेल परचेस करते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड में अगर इंटरनेशनल कॉमर्स को भी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा क्या इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप क्लियर हो गया होगा, बोलो बोलो जी सर। तो आज का जो लेक्चर है इसको यहीं कंक्लूड करूंगा, आज थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो आज डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ा बस एक ही, और वो मेन डेफिनेशन जो है वो कौन सा था आपका इंटरनेशनल बिजनेस का, और इंटरनेशनल बिजनेस का डेफिनेशन ये बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड भी आएगा इंटरनेशनल प्रोडक्शन भी आएगा, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो भी पार्ट है किसका इंटरनेशनल बिजनेस का। छोटी सी एक डेफिनेशन रहेगी ये वो और करवा दूं मैं इंपोर्ट का, देखिएगा इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बाहर से कोई सामान इंडिया लाना या इंडिया से बाहर लेके जाना? सर इंपोर्ट का मतलब बाहर से कोई सामान कहां लेके आना इंडिया, तो क्या बोलते हैं इंपोर्ट मींस ब्रिंगिंग, क्या बोलते हैं ब्रिंगिंग, कहां पे लेके आना इनटू इंडिया, कहां से फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से कोई भी सामान जब आप इंडिया में लेके आते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है सर, एक्सपोर्ट का मतलब ये देखो जी एक्सपोर्ट मींस
टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से कोई भी सामान कहां को लेके जाना, बाहर को लेके जाना, टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बोलते हो बाहर से सामान, इंडिया। एक्सपोर्ट बोलते हो इंडिया से सामान बाहर। सर एक वर्ड और दिया हुआ है आपने, एंट्रोपोड, ये क्या होता है, ये क्या बला है? स्पेशल बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लिख भी दूं यहां पे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म जो है एंट्रोपोड, ये क्या बोलती है सुनिएगा। एंट्रोपोड क्या बोलता है देखिएगा, ये बोलता है ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये हो गया जी यूके, और ये हो गया जी यूएसए। अगर मैं यूएस से कोई सामान इंडिया लेके आता और इंडिया में ही उसको कंज्यूम कर लेता, तो मैं वहां पे वर्ड मैं बोलता कि मैंने यूएस से कोई सामान क्या किया, इंपोर्ट किया। लेकिन अगर कभी ऐसा होता मैं यूएसए से कोई सामान कहां पे लेके आया, इंडिया लेके आया, और एज इट इज मैंने वो सामान आगे यूके को क्या कर दिया, बेच दिया। मैंने यूएस से कोई सामान पहले क्या किया, इंपोर्ट किया, मतलब मैंने दो काम इकट्ठे किए, पहला तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट, और इंपोर्ट जो मैंने किया क्या मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया या आगे बेचने के लिए किया? सर आपने यूज तो किया ही नहीं, आपने एज इट इज को आगे क्या कर दिया, टपा दिया। तो अगर मान लीजिए आप इंपोर्टेड गुड्स को एज इट इज आगे क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे इमीडिएटली, तो वहां पे जो आप वर्ड यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एंटरपोर्ट। क्या बोलने वाले हैं, एंटरपोर्ट। तो एंटरपोर्ट एक नया टर्म आ गया जो बेसिकली ये बोलता है कि अगर इंपोर्टेड गुड्स को एज इट इज क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, तो वहां पे जो आप टर्म यूज करने वाले वो क्या है जी, एंटरपोर्ट। आई होप हमारे तीनों डेफिनेशन क्लियर है। हमने अभी पढ़ा पहले तो इंडिया का डेफिनेशन, इंडिया के अंदर, इंडिया के डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इंडिया इंक्लूड्स द टीडब्ल्यू, इंडिया के अंदर क्या आने वाला है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। दूसरा इंपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, इंपोर्ट बोले तो इंडिया में कोई भी सामान बाहर से लेके आना, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट बोले तो इंडिया से कोई भी सामान बाहर को लेके जाना, एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट बोले तो एंटरपोर्ट के अंदर दो चीज इकट्ठे होने वाली है, क्या, फर्स्ट इंपोर्ट, आंसर इज एक्सपोर्ट। इंपोर्टेड गुड्स को जब हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स को एज इट इज बाहर बेच देंगे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एंटरपोर्ट। और इंटरनेशनल बिजनेस, वो डेफिनेशन मैं दिखा दूं, इंटरनेशनल बिजनेस का डेफिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया, और वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड द इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरन प्रोडक्शन एंड द प्रोविजन ऑफ द फॉरन सर्विसेज इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये सब जो है वो पार्ट है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। ओके, क्या चीजें थोड़ी सी अजीब अजीब सी हैं, थोड़ी सी ऐसी हैं जो अपने मास्टर्स के अंदर नहीं पढ़ी हैं, बट क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते जाएंगे ना तो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और जब चीज़ें समझ में आती हैं ना तो फिर वो लंबे समय तक रिटेन रहेंगी, आप कभी भूलेंगे मैंने, ये मेरा श्योरिटी है। तो बस आपको करना क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा आप रिटेन करके चलिएगा, बस ये सोचें कि हाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके जी सर, तो आज जो हमने पढ़ा, एक तो हमने इंडिया का डेफिनेशन पढ़ा, ये था ना अपना इंडिया का डेफिनेशन TWI वाला, जी सर, और एक आपको मैंने ये बताया कि इंडिया, इंडिया के बाहर पानी का जो एरिया है कितना, 12 नॉटिकल माइल, बोलते 22 किलोमीटर तक का एरिया, उसको बोलते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और जो 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 पार्ट है किसका, इंडिया का, कहाँ से काउंट करते हैं, कोस्टल लाइन से, कहाँ से, कोस्टल लाइन से या फिर बेस लाइन से। तो ये अपना हो गया इंडिया। और उसके बाद एक वर्ड मैंने आपको स्पेशल बताया क्या, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और वो कितना है, 200 नॉटिकल माइल, बोले तो 370 किलोमीटर तक का जो एरिया रहेगा उसका बोलते हैं क्या, EEZ। तो ये EEZ क्या बला है, ये है अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो 370 किलोमीटर तक जो है वो इंडिया के पार्ट को एक्सटेंड कर सकती है। ओके जी सर, तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 1। दो तीन लेक्चर थोड़े ऐसे ऐसे चलेंगे, आपको लगे पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, लेकिन क्या है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो माइंड में बैठ गए तो आगे वाले तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी भी करेंगे ना तो भी आप कर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आपको, तो चीजें जब बेसिक बेसिक समझ में आएंगी ना तो सब कुछ ओके चलेगा। ओके है क्या जी सर, चलो अभी आप इतना कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ाई करेंगे तो इतना कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स आवर लेक्चर नंबर 1। कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा। इसका जो कंटेंट है, वैसे तो जिन्होंने मेरा ऑनलाइन बैच लिया है उनको मैं बुक्स जो है वो कल, बोले तो 17 तारीख को मैं डिलीवर कराऊंगा, हालांकि पहले करवानी थी लेकिन थोड़ा सा उसमें इशू हो गया था, मतलब ये प्रिंटिंग के अंदर जो है उसका कवर पेज तैयार नहीं हुआ था, तो बस वो हो गया है, तो कल हम यहाँ से आपको डिलीवर करवा देंगे इवनिंग में, तो आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है वो टाइम पर चलती रहे तो उसके लिए एक बार कुछ
चार पांच दिन तक जब तक आपके पास पहुंचती है, जो मैं लेक्चर्स डालूंगा तो उसका कंटेंट जो है उसकी पीडीएफ या उसका वर्ड की जो फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो आप बस एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, बाकी सारा मैटर आपके पास पहुंच जाएगा आपके डोर स्टेप पे। तो आप रिवीजन अपना बढ़िया तरीके से कीजिएगा, रोज का काम रोज करेंगे तो फिर बढ़िया भी रहेगा, आपको भी क्लासरूम वाला फीलिंग भी आएगा। और मैं चाहता हूं कि आपको यही फीलिंग आए, आपको यूं ना लगे बोरियत ना हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको भी लगे कि आप क्लासरूम के अंदर ही बैठे हो, इंटरेक्शन एकदम जो है तरीके से हो रही है। ओके क्या, तो इतना कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। क्या बताओ, आपकी किसी फ्रेंड ने कोचिंग लेनी हो तो हमारे बारे में रिकमेंडेशन जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परचेज ही करें या आप भी परचेज ही करें, लेकिन कोई भी कोचिंग को परचेज करने से पहले एक बार हमारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्वालिटी जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है शायद मनी मैटर नहीं करती है, मैटर जो करता है वो है क्या, क्वालिटी। क्योंकि थोड़े से पैसे के लिए कई बार क्या होता है कि हम लोग सोच जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या है, छह महीने का बैक लग जाएगा, फिर छह महीने बहुत क्रूशियल है आपके लिए, वो वेस्ट ना हो, तो इट्स बेटर कि आप जो है जल्दी से डिसीजन ले अपने काम पर लग जाए। ओके जी सर, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।